हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ कि मौसम दिखाना है आप लोगों को। ये सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। और ये जो करकट से पानी गिरता है ना, इससे इतनी आवाज़ होती है कि कुछ कहीं भी आवाज़ सुनाई नहीं देगा। आवाज़ बहुत ज़्यादा मुझे चलिए अंदर तक बातें करती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है? आज है दूसरा दिन और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फुल एनर्जी के साथ रहना है और इसे छोड़ना नहीं है, एकदम से कंटिन्यू करते रहना है। डेली आप हिम्मत बना करके रखिए, दो चार दिन करेंगे और आदत पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर है और आज छुट्टी का दिन है, तो सभी लोग घर पे ही हैं। तो अभी लेट से उठी हूँ और अभी हो रहा है टाइम 8 बज रहा है। तो चलिए सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, पानी। हस्बैंड, बच्चे सब घर पे ही हैं, तो जैसे संडे गुजरा है आज भी वही मंडे भी गुजरेगा बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो ले लेते हैं अभी मॉर्निंग पानी। मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है वो शहद नींबू का मेरा रहता है। तो मौसम थोड़ा ठंडा किया है तो गर्म पानी, गुनगुना पानी लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ये जो खुला हुआ है ना, उसकी वजह से ये नीचे पूरा यहाँ पे जो है भीगा हुआ रह रहा है, जो कि बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ पे करना पड़ेगा मरम्मत। जो छत खुला है ना, उसमें से पानी निकल रहा है, मतलब कि थोड़ा फट गया है तो उसकी वजह से गिर रहा है। तो मरम्मत करवाना पड़ेगा, तब जा कर के सुकून मिलेगा, क्योंकि बीच में पानी गिर रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत पानी पानी हो जा रहा है। तो चलिए आ गए किचन में और बना लेते हैं अपना ड्रिंक सुबह सुबह, उसके बाद फिर काम शुरू होगा, क्योंकि अभी सभी लोग सोए हुए हैं। तो जो थोड़ा सा आराम से अपना पानी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ आप भी मॉर्निंग ड्रिंक पी लीजिए, तो उसके बाद फिर घर का काम होगा, आप लोग का भी होगा और मेरा भी होगा। हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। फ्रेंड्स, हस्बैंड उठ गए हैं तो अब उनके लिए चाहिए चाय। तो चाय मैंने बना लिया है, लेकिन अपने लिए गुड़ वाली चाय मैंने बनाया है। अगर आप भी चाय पीते हों, आदत है सुबह पीने की, तो आप गुड़ वाली चाय पीजिए। तो फ्रेंड्स, आज सब्जी में मैं बना रही हूँ ये आलू और ये तोरी, नेनुआ जो बोलते हैं, तो ये दोनों की सब्जी है, आलू और तोरी। आलू इसलिए डाला है ना कि बच्चे खा लेंगे, सिर्फ नेनुआ रहेगा तो बिल्कुल छूते नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हेल्दी सब्जी बनाना है ना, तो तेल कम डालना है। तेल कम भी डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आता है बढ़िया। अच्छे से उसे मन लगा करके लेकिन बनाना होगा, एकदम दिल से, तो ज़रूर टेस्ट आएगा बढ़िया वाला। तो चलिए, ये गलता रहेगा और इधर बनाना है रोटी। ये फ्रेंड्स दाल, यहाँ पे दाल बन रहा है। दाल भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है। इसमें ये है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और फिर डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा घी, एकदम से बढ़िया वाला टेस्ट आता है। ये हो गया हल्दी। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नाश्ता, एकदम से हेल्दी वाला। फ्रूट्स वैसा नहीं, सारा इसे अकुरा हुआ चना है और खीरा, टमाटर, अनार छीलकर और हरी मिर्च, चाट मसाला, बस एकदम सा हेल्दी सा नाश्ता। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, चले आप भी मेरे साथ इस दावत में शामिल हो जाएं और आराम से हम लोग बैठकर नाश्ता करेंगे, क्योंकि इतना खाने में आधा घंटा से कम नहीं लगेगा।
तो इसलिए फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ ना कि उतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत काम रहता है, तो थोड़ा बैठ कर खाऊंगी आराम से और फिर आ जाऊंगी किचन में रख करके और इधर काम भी करूंगी। इधर एक एक चम्मच मुंह में डालूंगी और गिनती नहीं करना है कि 32 या 40 बार चबाना है, बस इतना मैं करती हूँ कि वो लिक्विड हो जाए, तो इससे अंदाजा लग जाता है, तो काम भी होता रहेगा और मेरा ये खाना भी, ये नाश्ता भी होता रहेगा, क्योंकि आधा घंटा टाइम देना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा सुकून से 4-5 चम्मच खा लेते हैं और उसके बाद फिर किचन में आ जाएंगे, क्योंकि सबको नाश्ता भी अभी देना है, कुछ लोग किए कुछ लोग बाकी हैं। तो फ्रेंड्स हाउसवाइफ है ना, घर देखना संभालना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही खाना है और दिखाना है, सब कुछ देखना भी है। तो फ्रेंड्स मौसम बहुत ही अच्छा किया हुआ है, एकदम मूड मतलब ठिकाना लगा दिया है मूड ऐसा मौसम करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। खाना का टाइम हो गया, आज कल से बारिश जो हो रही है ना तो उसकी वजह से लाइट डिस्टर्ब हो गई था, तो उस वजह से जो है कल याद नहीं रहा, टंकी में पानी नहीं भराया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, आप लोग भी समझते होंगे इस चीज को। तो क्या हुआ ना कि अभी लाइट आई है करीब करीब 1:30 बजे, तब जा करके बर्तन इतना सारा जमा हो गया था फ्रेंड्स सुबह से लेकर, किसी किसी तरह तो काम चल रहा था लेकिन बर्तन जमा होता ही गया, तो सब जा धो करके अभी जो है फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं, उसके बाद जो है चलते हैं अब लंच करेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा आज का लंच, दोपहर का खाना, जिसमें है ये चीला और ये है ओट्स, बेसन और सूजी मिक्स है सब इसमें, और वेजिटेबल, और ये रहा सैलेड, ये रहा दाल, ये रहा सब्जी। तो ये सब्जी है कद्दू आलू का। लंच में तो आपने देखा ही क्या क्या है, तो बारिश के मौसम में ना ऐसे भी चावल खाने का मन नहीं करता है, नहीं तो बिना चावल का मेरा दिल ही नहीं भरता है, लेकिन बारिश में थोड़ा सा लगता है कि रोटी गर्मा गर्म मिल जाए तो अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने अपने लिए चीला बनाया है। और चलते हैं फटाफट से आराम से खाते हैं, बच्चे भी अभी खा रहे हैं क्योंकि आज काफी लेट ही हो गया था सबका, तो चलें खाना खाने। और यहाँ देखें बच्चे भी खाना खा रहे हैं सब लोग, ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे बन गया है चीला, और इधर हस्बैंड के लिए बना रही हूँ रोटी क्योंकि वो चीला नहीं खाते, तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ, और मैं अपने लिए बनाऊंगी अभी ओट्स, ओट्स का खीर आज बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध और थोड़ा सा एक चम्मच इसमें डाल दूँगी ये ओट्स, और जब ये पक जाएगा ना तब इसमें मैं डालूँगी ये गुड़, क्योंकि चीनी वाला नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी होता है फ्रेंड्स, इसलिए गुड़ डाल के बनाइए। तो ये देखिए थोड़ा लिक्विड टाइप का रहेगा इस तरह से, तो कुछ तीखा खाने का मन नहीं था इसलिए लगा थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट था इसका, इतना अच्छा खीर जैसा लग रहा था, गुड़ वाली खीर होती है ना उस तरह से। उसके बाद फिर फ्रेंड्स से 1.5 घंटा हो गया था तो यहाँ पे मैं पीने लगी थी ग्रीन टी। तो फ्रेंड्स अभी लंच करके मैं आपसे बातें कर रही हूँ, और जो आपने देखा डिनर वो कल का डिनर आपके साथ मैंने शेयर किया, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि 7 बजे पब्लिश करना रहता है, तो क्यों ना जिस दिन का वीडियो हो उसी दिन का डिनर आपके साथ शेयर करूँ, कोशिश करूंगी, क्योंकि लास्ट में वो वीडियो लेकर के जब मैं
डिनर करूंगी तो उस वक्त ऐड कर दूंगी। तो ऐसे मैंने सोचा है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है कि कल का ऐड करूं, उसमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए आज का ही पूरा सुबह से लेकर रात तक वीडियो रहेगा। अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि मैं रात में क्या खाने वाली हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं। अब इस टाइम से जो है, आज तो लेट हो गया, हमने बताया ना पानी नहीं था, तो उसकी वजह से आज दिन भर डिस्टर्ब हुए हैं हम लोग, तो इस वजह से जो है लेट हुआ है खाना खाने में। तो चलते हैं जल्दी से एडिट करते हैं ताकि आप लोगों तक 7 बजे तक पहुंचा दे ये वीडियो। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। फुल एनर्जी के साथ मिलते हैं फिर कल, तब तक अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।